ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर। सबने मुस्कुराया, बहुत अच्छा। थोड़ा उमंग उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति, बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा, बाजू वाले? हाँ, भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ के नमस्ते करना ही संपूर्ण नमस्ते। हाँ, नमस्ते, गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? इज योर इवनिंग गुड? वाई? क्यों? किसी ने कुछ कहा? हाँ जी, आप यहाँ बैठे हैं? किसी ने कहा आप वहाँ बैठे हैं? वो भी अच्छी बात है। हाँ, आपको मैं अंदर की बात बताऊं, बुरा तो नहीं फील करेंगे? हमारा इवनिंग गुड इसीलिए क्योंकि कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ मस्त आराम से बैठे हैं। और हमारी बहनों को तो बहुत ही ज़्यादा गुड है, खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का खा। भाई लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब अनुभव से कह रहे हैं, घर में हम लोग ही बनाते, ठीक है ना? ओह दैट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, ये अच्छा है। जो हमारे कश्मीर में और आसाम में और यहाँ पाकिस्तान में बैठे, उनसे अनुरोध है कि भारत से जुड़ें। काफ़ी लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं भारत को, ठीक है ना? सेंट्रल भारत में आएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी की प्राप्ति होगी। चलिए, हाँ, आगे आगे आएंगे ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं जी। चलिए, आज का हमारा जो विषय है, वैसे तो बहुत लगता बहुत भारी है, ऐसा है नहीं, बट उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मुझे टीचर्स का ऑडियंस बहुत अच्छा लगता है, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मैं खुद टीचर रहा हूँ, और दूसरा मैं जानता हूँ बैठ के सुनना कितनी तकलीफ़ और कितनी पीड़ादायक स्थिति होती है, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द यू नो ऑडियंस। वी आर सो एक्सपर्ट एंड गुड इन प्रीचिंग, एडवाइजिंग, टीचिंग, बट वेन इट कम्स डाउन टू द अदर साइड बिकम्स अ लिटिल चैलेंज। और मुझे टीचर्स के साथ बात करना इसीलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि टीचर्स एक बच्चे के जीवन को बहुत बहुत गहराई से और सकारात्मक रीति से उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और मेरा आपसे एक अनुरोध होगा कि आज के लगभग अगले एक घंटे के लिए कृपया करके मेरी कोई भी बात को आप स्वीकार ना करें, ठीक है? सुन ली, क्योंकि टीचर्स होते ही हैं, मैं जो कह रहा हूँ वही करेक्ट, वही सुनो, वही मानो। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाट आई हैव टू टेल यू। क्यों? जब मैं ये कहता हूँ ना, कई बार मेरे ऑडियंस पता है मेरे लिए क्या कहते हैं, तू सोच क्या रहा था, हम तेरी हर बात मान लेते, हम आपकी हर बात स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, मानव मनोवृत्ति ये कहता है कि 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा ना स्टेशनरी की दुकान में जाकर, हम ऐसे ही नहीं खरीद लेते, लिख के ज़रूर देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्क्रूटनाइज ज़रूर कहते, टेस्ट ज़रूर करते हैं वेदर इट इज़ वर्थ 5 रुपीज़ और नॉट। हाँ या ना? 5 रुपए पेन की, 5 रुपए की आज शायद कोई कीमत नहीं है, उसके लिए भी हम उसको टेस्ट ज़रूर कर लेते हैं। और यहाँ तो कितने इम्पॉर्टेंट, जीवन के बहुत गहराई और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को हम एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध होगा कि हम सुने ज़रूर, लेकिन उस पर गहराई से चिंतन करें। और अगर आप प्रश्न पूछेंगे
समय की मर्यादा को देख करके, या फिर आप अपने आप से अगर प्रश्न करें, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग. और मुझे एक बहुत सुंदर कोट याद आता है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू क्वेस्ट, इज नॉट टू टेस्ट. और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हो, मैंने तो काफ़ी ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे बड़े क्लासेस में बच्चे जाते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं एंड देन कॉलेज डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रश्नों की संख्या बच्चों की तरफ से वो बहुत कम हो जाती है. हाँ या ना? और यही स्टूडेंट जब छोटा था, ही हैड अमटीन क्वेश्चंस. और इसीलिए मुझे बड़ों का क्लास कराने से ज़्यादा डर छोटों को क्लास कराने से लगता है, क्योंकि वो प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं. और वो प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं होते, वो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न होते हैं, जिसका उत्तर गूगल भगवान के पास भी नहीं, तो भाई हमारे पास कहाँ से आएगा? आपको एक दो प्रश्न का मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. एक बार मैं बड़ों का क्लास करा रहा था, एक छोटा बच्चा पप्पा की गोदी में बैठे था, और बच्चों को डर नहीं होता है, बड़े बच्चों को डर ज़्यादा होता है. हाँ या ना? और ये छोटू तो अभी तक इसने 10वीं भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इसको इतना डर नहीं है. आई थिंक 10वीं का बच्चा या डिग्री का बच्चा इज़ मच मोर इक्विप्ड, मच मोर इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, मच मोर एक्सपीरियंस्ड विथ ऑल द एक्सपोजर्स वी टीचर्स हैव गिवन देम. बट उस बच्चे में जीवन के प्रति बहुत सारी इनसिक्योरिटीज पनप गई हैं, एंड दैट्स वेयर देर इज सम प्रॉब्लम. और पता है ये छोटू मुझसे सब भरी सभा में मुझसे पूछता है, डर कुछ नहीं है उसको, और वो कहता है अंकल प्रश्न पूछूं? मुझे पता था ये आउट ऑफ सिलेबस ही आने वाला है. मेरी थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने दिखाया नहीं मेरे को प्रॉब्लम है. मैंने कहा पूछो. तो छोटू, आई मीन मैं बॉम्बे में था, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी. छोटू मुझसे कहता है अंकल बारिश ऊपर से नीचे क्यों होती है? मैंने कहा हो गए. मैंने सोचा आई कैन हैंडल द लिटिल वन. मैंने कहा बेटा क्योंकि बादल ऊपर होता है. आई मीन दिस लिटिल वन डजंट स्टॉप देयर. वो कहता है बादल ऊपर क्यों होते हैं? इस बच्चे का हर प्रश्न इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. उसने पहले से कोई पढ़ के नहीं आया है, वो देख रहा है और प्रश्न पूछ रहा है, देख रहा है और प्रश्न पूछ रहा है. मैंने सोचा स्टिल आई कैन हैंडल इट. मैंने कहा बेटा क्योंकि बादल ऊपर होते हैं. बादल ऊपर क्यों होते हैं? मे बी वो हल्का होता होगा इसीलिए ऊपर होता. हल्का क्यों होता है? मैंने कहा मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ. मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली हाथ जोड़ के नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उस छोटू को कहा मम्मी को पूछ, क्योंकि प्रोडक्ट इतना खतरनाक है तो मैन्युफैक्चरर ही हैंडल करे, वैसे ही हमारा काम है. अरे कितना हैंडल करे भाई, एवरी टाइम यू गिव एन आंसर इज कमिंग विद अ वाई, विद अ वाई. द पर्पज ऑफ एजुकेशन. और शायद ये 10वीं 11वीं या डिग्री प्रोग्राम के बच्चे प्रश्न पूछना आता ही नहीं है, अंदर से नहीं आ रहा है. मे बी मम्मी पापा एल्डर्स टीचर समाज ने शायद उसको इतना स्ट्रांगली प्रोग्राम एंड कंडीशन्ड कर दिया, आंसर ढूंढो, आंसर बताओ, उत्तर क्या है, उत्तर क्या है. और कभी कभी तो बच्चा मम्मी को कहता मैंने सब लिख कर आए, 100 में 100 मिलना चाहिए, देखा तो 75% ही मार्क्स है, तुम्हारे 25% कहाँ गए? आफ्टर एग्जामिनेशन देखने पर पता चला कि उत्तर सही लिखा था लेकिन प्रश्न ही नहीं पढ़ा था कि कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर. मे बी वी आर सो ऑब्सेस्ड विद आंसर्स 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 दैट वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस. यस और नो? आध्यात्मिकता की शुरुआत भी होती है जब हम जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न अपने आप से पूछें और उसमें बहुत गहराई से चिंतन करें, मनन करें और उसमें रिफ्लेक्ट करें. और ये द होल प्रोसेस इज इक्वल टू बीइंग अवेयर
आप बहुत अवेयरनेस की स्थिति में, बोध की अवस्था में, जिसको ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और उस कॉन्शियस प्रोसेस से आप हर चीज़, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको आप एनालाइज करते हैं और देखते हैं इससे मेरे जीवन में फ़ायदा है नुकसान है। क्योंकि अगर पेन काम नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे भाई यू नो यू नीड टू रिप्लेस इट, मैंने आपको 5 रुपये दिया है। मनुष्य हर चीज़ अपने फ़ायदे की ही करता है। कॉन्शियसनेस का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, शायद हम बहुत कंडीशनड रीति से जीवन को जी रहे हैं, बहुत मैकेनिकल रीति से अपने जीवन के प्रोफेशन को, टीचिंग को भी हम उसी आधार से कंडक्ट करते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वेरी प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में, यूएस में एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था जहाँ पे चाइल्ड मॉर्टैलिटी बहुत ज़्यादा थी, उसका एक स्पेसिफिक कारण था, और उन बच्चों की मृत्यु, और वो भी क्रॉलिंग बेबीज थे जो रेंग के, चलते भी नहीं थे, आई मीन दे स्टिल नॉट स्टार्टेड वॉकिंग, क्रॉलिंग बेबीज की मृत्यु थोड़ी ज़्यादा थी, और उसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये था, दे वर ऑल एक्सीडेंटल डेथ, और वो उसका कारण ये था कि वहाँ के घरों के बाहर स्विमिंग पूल होता था, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ा उनका कंपाउंड होता था, घर के बाहर स्विमिंग पूल, और माता पिता का ध्यान इन बच्चों पे ना होने की वजह से ये बच्चे क्रॉल करके घर से बाहर और उस स्विमिंग पूल में गिर के डूबने से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, ओनली वन रीज़न। और ये अमेरिकन्स, उन्होंने एक तरीका अपनाया जिससे कि वो बेबी की डूबने से मृत्यु ना हो, दे केम अप विद अ आइडिया टू रिड्यूस डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग। कैन यू गेस क्या हो सकता है सॉल्यूशन? अगर हमको भी इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढने की कहा जाए, माता पिता का ध्यान नहीं रहता है बच्चों पे और बच्चा क्रॉल करके घर से बाहर जाकर स्विमिंग पूल में गिर कर उसकी मृत्यु हो जाती, क्या हो सकता है एक प्रॉबेबल सॉल्यूशन? हाँ, स्विमिंग पूल में गिर के मृत्यु हो गई, क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग। कई लोग कहते हैं कि भाई स्विमिंग पूल में पानी निकालो, मिट्टी भर दो, ख़त्म करो खेल, ठीक है ना, दिस कुड बी एन आंसर। बट ये अमेरिकन्स ने, दे केम अप विद अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, और शायद आप अगर ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जब मैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहा था, इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। पता है उन माता पिता ने क्या किया, उस छोटू बेबी को स्विमिंग सिखा दिया, कमाल है। अब प्रश्न ही उठता, हम बड़े बड़े नहीं सीख पाते, ये छोटू कैसे सीख लेगा, आई मीन इन्फेंट, 1 ईयर ओल्ड बेबी। और जब माता पिता इस छोटे से बच्चे को स्विमिंग पूल में लेकर गए, और माता पिता, वो ट्रेनर खड़ा है बच्चे को स्विमिंग पूल में, दे लेफ्ट द बेबी इन द वॉटर, अब क्या होगा, बच्चा तो पानी के अंदर ही जाएगा, और जैसे ही बेबी पानी के अंदर गया, उन्होंने 2 ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशंस किए। नंबर 1, दे ऑब्जर्व दैट द बेबी कुड होल्ड द ब्रेथ फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। शायद आप और मैं पानी में जाएंगे तो हम तुरंत वी विल स्टार्ट गल्पिंग वाटर, हम घबरा जाएंगे, लेकिन बेबी ने नहीं किया, बेबी वॉज एबल टू होल्ड द ब्रेथ, दिस वॉज वेरी यूनिक। नंबर 2, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो छोटू बेबी है पानी के अंदर इज एबल टू कीप द आईज ओपन। हम और आप घबराएंगे तो सबसे पहले शायद हम आँख को भी टाइट पकड़ के बंद कर लेंगे, एंड ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों बच्चा ऐसा कर पा रहा है, एंड दे ऑब्जर्व इट एज अ फिनोमिना, इट्स अ पैटर्न, हर बच्चे के साथ उन्होंने यही देखा। और थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करने पर ये पता चला, पीडियाट्रिशियंस या पीडियाट्रिक मेडिसिन के लैंग्वेज में साइंटिफिकली इट इज़ टर्म्ड एज ब्राडिक कार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट। ये बहुत नेचुरल है उस बेबी के लिए, उसने कुछ सीखा नहीं है, इट कम्स नेचुरली टू द बेबी, जो आपके लिए और मेरे लिए शायद डिफिकल्ट होगा, बट वो इन्फेंट के लिए पॉसिबल था। और उसके पीछे जो एक प्रॉबेबल थियोरी जो वो शेयर करते हैं वो ये है कि मे बी द लिटिल वन माँ के गर्भ में वॉज इन अ सिमिलर एनवायरमेंट, माँ के वूम्ब में भी वॉज कवर्ड विद द फ्लूइड, एंड पानी के अंदर भी बेबी इज इन अ सिमिलर एनवायरमेंट, ही फील्स लिटिल कंफर्टेबल इनिशियली, घबराता नहीं है, डरता नहीं है,
एंड माता पिता और ट्रेनर इस फिनोमिना को एडवांटेजियसली यूज करते हैं एंड दे हेल्प द बेबी टू फ्लोट ऑन वाटर. अगर वो मुंह के बल गिरा है तो उसको टर्न होना एंड पैडल, हाथ पैर पैडल करना उसको सिखा दिया एंड इट रियली वर्क्स. आपने यूट्यूब में या फिर कहीं वीडियोस में देखा होगा छोटे बेबीज़ को वो पानी में स्विमिंग सिखाते, आपने देखा ये? आप में से कितने लोगों ने देखा? फैंटास्टिक. नाउ आज के विषय से इसका क्या लेना देना है वो मैं आपको कोरिलेट करता हूँ. थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन हियर इन इंडिया. अब हम परिवार जन पिकनिक मनाने के लिए, आउटिंग के लिए, वीकेंड सेलिब्रेशन के लिए, वेकेशंस के लिए हम कहीं गए और हमारे साथ हमारा बेबी भी है, बच्चा भी है एंड द एंटायर फैमिली वेंट. और जब हम गए और उस पिकनिक स्पॉट में या वेकेशन वाले स्पॉट में, वहाँ स्विमिंग पूल है, नदी है, तालाब है, झरना है, समुद्र है, एनी लोकेशन वेयर देर इज़ अ वाटर बॉडी, और जहाँ हम वहाँ मनाने के लिए गए उस वाटर बॉडी के नज़दीक में शायद माता पिता, अंकल आंटी, चाचा मामा, एवरी अदर एल्डरली पर्सन इस छोटू को कहेगा बेटा पानी के नज़दीक नहीं जाना, डूब जाएगा. अब जैसे ही मम्मी उसको कहती है तो डूब जाएगा छोटू. अबे क्यों डूब जाएंगे? यू डोंट नो व्हाट आई से, यू फॉलो इट. तुम डूब जाओगे, तुम डूब जाओगे, तुम डूब जाओगे, तुम डूब जाओगे. 15 साल की उम्र तक, शायद ये 5 साल का बच्चा होगा तब से शुरू किया है, 15 साल, द नेक्स्ट 10 ईयर्स ही इज कंडीशन्ड. तुम डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे. अब इसका मैं कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल 10वीं में पढ़ने वाला इस बच्चा, राहुल है इसका नाम, ये कहता है मम्मा मैं स्विमिंग सीख लूँ, गर्मी की छुट्टी है. मम्मी बोलती बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, तुम वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो घर पे, यू लर्न अ स्किल. अब ये राहुल, 10वीं में पढ़ने वाला राहुल, 15 साल का बच्चा, सामने स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल के बाहर कम्प्लीटली प्रिपेयर टू जंप इनटू द ट्रेनर, उसका जो उस्ताद है, जो टीचर है, वो पानी के अंदर. अब वो ट्रेनर एज अ टीचर, यू एंड आई एम एज अ टीचर, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को. ये टीचर इस बच्चों को कहता है बच्चे तुम पानी में उतर. पता है ये राहुल क्या कहता है? सर डर लग रहा है. आप टीचर, मॉम, डैड, एल्डर, हम कहते डरने की क्या बात है, मैं हूं ना यहां पे. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है बट यू आर नॉट कंसिडरिंग माय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बच्चा बोलता है सर मालूम है लेकिन डर लग रहा है ना, लग रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, ये लग रहा है. वेयर इज दिस लग रहा है इज कमिंग फ्रॉम, वेयर इज द फाइल एंड फोल्डर. पता है टीचर क्या कहता है? बच्चे मैं 10 साल से स्विमिंग सिखा रहा हूं, मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, रिलेट करिए अपने अपने स्टेटमेंट्स को, 10 साल के टीचिंग के अनुभव में एक बच्चा आज तक डूबा नहीं, सब के सब यहां से सीख कर गए. पता है स्टूडेंट राहुल क्या कहता है? मालूम वैसा लेकिन डर लग रहा है. आप मैं क्या करूं, आपके यहां से कोई फेल नहीं है, डूबा नहीं है तो, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना. योर स्टेटमेंट इज नॉट हेल्पिंग मी इन एनी वे एंड यू एंड आई थिंक दैट माई स्टेटमेंट इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू द लिटिल वन. आई मीन यू मैच ही नहीं कर रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग द लिटिल वन. हाइट, the subconscious mind lacks critical thinking, the conscious mind, uske consciousness mein hai main doob jaunga, main doob jaunga thanks to my mom which is not true, and mummy ko lagta hai main bacche ko save kar rahi hu, ye usse bada galti. jo humko nahi samajh mein aa raha hai ki humne jeevan bhar is bacche ko pani se dara diya, isiliye bachcho ko exams ka dar lagta hai. And we think we are too good. Whatever I am doing is all for the benefit of the students. But little ignorance on our part that we don't understand how is the psyche working? How is the conscious and the subconscious mind working?
अब 15 साल उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, तुम डूब जाओगे. एंड द सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड लॉजिक. और हम सब लॉजिक पर बात कर रहे हैं. पता है ट्रेनर क्या कहता है? दिस इज हाइट. कहता है बच्चे ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट, तो कहीं भी तेरी हाइट 5 फुट 6 इंच. अरे तुम इस स्विमिंग पूल के किसी भी जगह पर खड़े भी हो जाओगे ना स्ट्रेट, तेरा पानी यहीं तक आएगा बच्चे, तुम नहीं डूब सकते. दैट्स नॉट हाउ इट इज पॉसिबल. पता है राहुल क्या? मालूम है ना सर, लेकिन डर लग रहा है ना, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा है मम्मी को, पापा को, बड़ों को, सोसाइटी को? लेकिन मुझे तो लग रहा है ना. हम किस डायमेंशन पर बात कर रहे हैं और वो बेचारा बच्चा किस डायमेंशन पर सफर कर रहा है? एंड लॉजिक डजंट वर्क देयर. कैन वी रीप्रोग्राम दिस सबकॉन्शियस माइंड? एंड वी आर ऑल अ विक्टिम ऑफ दीज ब्यूटिफुल कंडीशंस. आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ. मुझे याद आता है हम दिल्ली में एक प्रोग्राम कर रहे थे भारतीय सेना का, और मैंने उनसे कहा, जैसे मेरी आदत है, मैंने कहा ओम शांति, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब. ऐसे ही मैंने कैजुअली उनको पूछा, हाउ इज़ योर लाइफ? अगर मैं आपको पूछूं हाउ इज़ योर लाइफ, 3 प्रोबेबल उत्तर हो सकता है माई डियर वंडरफुल ऑडियंस. ऑप्शन 1 गुड, ऑप्शन 2 नॉट गुड, ऑप्शन 3 समटाइम्स गुड समटाइम्स नॉट गुड. कभी खुशी, इतना ज़्यादा पता है आपको, क्या बात है. कभी खुशी कभी गम, ऑलवेज गुड में सब आ गया, ब्रिलियंट, ऑसम, सुपर्ब, यू कैन ऐड ऑल एडजेक्टिव्स. नॉट गुड में थोड़ी एंग्जाइटी है, थोड़ी इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है. एंड कभी गुड कभी नॉट गुड. अगर मैं आपसे पूछूं, उत्तर मुझे मत दीजिएगा हाथ उठा के, खुद जवाब दीजिएगा. अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज़ योर लाइफ, सो इट फॉल्स अंडर फर्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और द सेकेंड कैटेगरी. प्लीज़ हाथ मत ऊपर उठाइए. वहाँ तो मैंने उनको कहा था प्लीज़ हाथ ऊपर उठा के जवाब दीजिए, क्योंकि जब मैं ऐसे ही पब्लिक में पूछता हूँ तो पब्लिक में सबका उत्तर गुड है. और कभी कभी तो लोग हाथ ऊपर उठा देते हैं तो वाइफ हस्बैंड को देखे, तुम्हारा और गुड कहाँ पर है? दुनिया वालों के सामने तो कितना अच्छा तुम बताते हो. I mean, we try to show that, yeah, मेरा life is the best. Reality could be different. Social media देख लो तो लगता है स्वर्ग अभी ही है दुनिया में. क्या विचारधाराओं का आदान प्रदान है. आहा, wife, husband के सुबह सुबह के good morning post को देखकर सोचती है, ये तुम्हारे विचार इतने श्रेष्ठ, गुस्सा कितना करते हो. हस्बैंड वाइफ का डीपी देख करके मन ही मन सोच, तुम ऐसी दिखती हो. ये जितने भाई लोग हंस रहे हैं ना, सब पीड़ित हैं यहाँ, ठीक है ना. सब रिलेट करता विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड दिस इज अ गुड ऑडियंस, डोंट टेक इट पर्सनली. सो आई डोंट वॉन्ट यू टू रेज योर हैंड, आई मीन गिव एन आंसर टू योर सेल्फ. तो मैंने वहाँ पर उनको कहा, जिनका गुड है प्लीज़ रेज योर हैंड. तो उन्होंने हाथ ऊपर उठाया. फिर मैंने ऐसे ही पूछा, मेरी खुशी, मैं जानना चाहता हूँ, आई डोंट डाउट एंड आई डोंट क्वेश्चन इट. मेरी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जिन्होंने भी कहा गुड है, क्यों गुड है और कैसे गुड है, मैं थोड़ा इच्छुक हूँ जानने के लिए. आई एम लिटिल इंटरेस्टेड, हाउ इज़ योर लाइफ गुड? So there was one very senior officer, he raised his hand. He said, Girish, I'll respond. Maine kaha, please go ahead, sir. I mean, the gentleman army officer, very confidently wo khade hue aur unhone kaha, Mr. Girish, I have 5 reasons why my life is good. Maine kaha, please bataiye, sir. The first response, unhone kaha, Girish ji, mera life good hai, kyunki my life is good. Because my wife is good.
वो भाई साहब कह रहे सर यहाँ तो खुशियाँ मना लेने दो, घर जाकर तो वैसे ही बजाइए ताली एक बार जोर से, ठीक है सर दिस इज़ फॉर यू, ठीक है आप एक अकेले ही थे जिसमें स्वीकार करने की ताकत है, ठीक है ऑन अ लाइटर वे, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, और भी कुछ है क्या? सेकेंड रीज़न, ओ दिस वॉज आउट ऑफ यू नो माइंड, उन्होंने कहा गिरीश जी माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरा बच्चे गुड। फर्दर ही एक्सप्लेन्ड, मेरा जो छोटा वाला बच्चा है ना 5 years का है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, खुद अपने आप उठ जाता है सुबह, खुद अपने आप स्नान कर लेता है, खुद अपने आप नाश्ता कर लेता है, खुद तैयार हो जाता है, खुद स्कूल का बस पकड़ लेता है, स्कूल से आने के बाद खुद हाथ पैर मुंह धो के फ्रेश होकर खाना खा के सो के होमवर्क करके फिर ही टीवी देखता है। तो जब वो ऐसा कह रहे थे ना, उनके जो बाकी साथी लोग थे ऑडियंस में, वो साहब को ऐसे देखने लगे, और एक ने तो पूछ भी लिया उनको, भाई साहब ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो जो सब अपने आप कर, या तो माता पिता के नाक में दम कर रखा, एक भी नहीं सुनते, मानते भी नहीं है। तो पता है वो ऑफिसर ने क्या कहा, सीक्रेट है नहीं बताऊंगा वही क्रिएटेड अ सस्पेंस, अरे इतने अच्छे बच्चे जो सब अपने आप सुन ले, माता पिता का स्ट्रेस ही दूर हो जाए। भारत में माता पिता को एक जो तनाव का मुख्य कारण है वो है हमारे बच्चे, यस और नो, यस और नो, नहीं हाँ या ना। अच्छा, थर्ड उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज फाइनेंशियली आई एम हेल्दी, धन संपत्ति प्रॉपर्टी गोल्ड FD सेविंग्स सब में, स्टॉक मार्केट सब में मैंने अपने रिस्क को स्प्रेड करके रखा है, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आई नो आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फोर्थ रीज़न उन्होंने कहा माई लाइफ इज़ गुड बिकॉज मेरे घर परिवार वालों का हेल्थ बहुत अच्छा है। छोटा मोटा बीमारी होता है, सर्दी खांसी बुखार, बट ऐसा कोई मेजर हार्ट अटैक कैंसर डिप्रेशन ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिफ्थ रीज़न उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई बॉस इज गुड। आपके चेहरे के मुस्कुराहट से मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है HOD कहो, प्रिंसिपल कहो, डायरेक्टर कहो, जो भी है डीन कहो, ठीक है ना, एंड फॉर ऑल दी हाउस वाइफ मदर इन लॉ गुड, घर में भी एक बॉस होता है, ठीक है ना, बॉस गुड तो फिर हमारा लाइफ भी गुड। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने वो साहब, शायद आपको भी अगर मैं पूछता इफ़ योर लाइफ इज़ गुड व्हाट कुड बी द रीज़न, आप भी शायद इसी दिशा में सोचते हाँ या ना, घर परिवार वाले ठीक हैं, नौकरी ठीक है, धन संपत्ति ठीक है, हेल्थ ठीक है, दिस कुड बी द प्रोबेबल एरियाज वर्टिकल्स ऑफ लाइफ, येस और नो, हाँ या ना, गुड। तो मैंने वो सर से एक प्रश्न पूछा, वो मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने वो सर को कहा सर अगर यही सब जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली पूछता आपकी पत्नी कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका फिनेंशियल हेल्थ कैसा है, ऑफिस जॉब प्रोफेशन कैसा चल रहा है, हेल्थ कैसा है, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं था। व्हाट वाज माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या था, हाउ इज लाइफ। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यही तो लाइफ है। मैंने कहा मुस्कुरा के बोलिए ना, आप ऐसे दुखी इतना परेशान होकर क्यों बोल रहे हैं, तो बोले यही तो लाइफ है। मैंने कहा सर अगर यही लाइफ होता तो अगर भगवान ना करे मैडम किसी तरह ऊपर नीचे तो फिर आप भी ऊपर नीचे, बच्चे ऊपर नीचे तो फिर आपकी स्थिति भी ऊपर नीचे। माई लाइफ माई और डिपेंड्स ऑन ऑल दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, हेलो। तो पता है उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा अगर ये लाइफ नहीं है तो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, यही लाइफ है जो हमको परेशान कर रहा है, या हम इससे परेशान हैं, या इट इज़ वेरी स्ट्रगलिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट,
और यही लाइफ को हम अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे, इसीलिए हम पढ़ाई करते, इसीलिए हम नौकरी करते, इसीलिए हम शादी करते, इसीलिए हम जो भी आज तक किया है टू मेक लाइफ ब्यूटिफुल. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ. एंड जैसे उस बच्चे के 15 साल तक डूब जाओगे डूब जाओगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, शायद हमारा भी प्रोग्रामिंग ऑफ लाइफ शायद थोड़ा सा फ्लॉड है, गड़बड़ है. मैं आपको बताऊँ मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ बिफोर आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज. आई वॉज 22 ईयर्स ऑफ एज, जस्ट फिनिश्ड माई पोस्ट ग्रेजुएशन. मैं नौकरी कर, मतलब फाइनल ईयर में जब मैं था तब मुझे बॉम्बे में ब्रह्मा कुमारीज एक्सीडेंटली मुझे इसके बारे में पता चला. एंड बिलीव मी, इट रियली चेंज माई परस्पेक्टिव. बट आई विल टेल यू, उसके पहले माई डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या था. इट इज़ लिटिल हिलेरियस. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी. मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड में था, ऑलमोस्ट अराउंड 6 ईयर्स ऑफ एज, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ता था. आई वॉज नॉट एकेडमिकली ब्रिलियंट. अच्छा नहीं पढ़ता था का तात्पर्य वो मैं आपको बता देता हूँ. भारत की माताएं मम्मी जैसा चाहती थी वैसे हम नहीं पढ़ते थे. और भारत की मम्मी पता है क्या चाहती थी, बैठ के पढ़ो. और हम बॉयज बैठ के नहीं पढ़ते थे. हम थोड़ा खेलते कूदते खाते पीते, थोड़े चंचल थे, थोड़ा इधर उधर भटकते थे. और मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था. और मम्मी वॉज लिटिल टायर्ड बिकॉज ऑफ मी कि तुम पढ़ता नहीं है, तुम बैठ के नहीं पढ़ता, बैठ के नहीं पढ़ता. एग्जाम्स के दिन नज़दीक आ गए. एग्जाम्स के दिन नज़दीक आते हैं तो घर में सबसे ज़्यादा तनाव किसको होता है, ज़ोर से बोलिए. क्या बात है, एग्ज़ाम बच्चा लिख रहा है, तनाव मम्मी को हो रहा है सबसे ज़्यादा. क्या कोरिलेशन है, वंडरफुल. अब एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ गए, हम वैसे ही अच्छा तरह नहीं पढ़ रहे थे. और मम्मी ने कहा पढ़ पढ़ पढ़. और पता है उन दिनों में मेरा दुश्मन नंबर 1 कौन था, जरा गेस करिए. अरे नहीं मम्मी तो डायरेक्ट ना, मेरा दुश्मन नंबर 1 थी मेरी बड़ी दीदी जो बैठ के पढ़ती थी. उसके कारण फ्री फोकट गाली हम खाते थे क्योंकि मम्मी का एक ही डायलॉग था, दीदी को देख दीदी को देख दीदी को देख. अब मेरे मन में इतना भाव आता था एक दिन तो इनको देख ही लूंगा. और मैं तो दीदी को जाके भी कह दिया, दीदी तुम भी थोड़ा खेलो ना, तुम भी थोड़ा भटको ना, तुम भी थोड़ा चंचल बनो यार, तुम्हारे कारण हम खा रहे हैं इतना ज़्यादा डांट, तुम भी थोड़ा इधर उधर करो. अब दीदी बहनें लड़कियाँ तो थोड़ी कंपैरेटिवली मोर सिंसियर देन बॉयज. अब दीदी तो छोड़ती नहीं थी. चलो छोड़िए, एग्जाम के दिन नज़दीक आ गए, मम्मी का पारा, और शी वॉज थर्ली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई वॉज नॉट सिटिंग इन स्टडी. एंड पता है मम्मी आउट ऑफ शीयर फ्रस्ट्रेशन व्हाट शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा. और क्योंकि मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था, मेरा 500 GB का हार्ड डिस्क खाली था, अभी भी थोड़ा खाली है. और माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, ये 500 GB हार्ड डिस्क में 600 GB कंडीशनड फाइल एंड फोल्डर्स है. वी आर नॉट लीडिंग अ कॉन्शियस लाइफ. कॉन्शियस टीचिंग तो बहुत दूर की बात है, वी आर नॉट इवन एक्सपीरियंसिंग consciously everything. Dekha khatam, suna khatam. Where is the emotional content to that? Where is the awareness? You're not completely one with what we are doing. Hum to itne bhatkaav mein jeevan jeete hain. Anyway, pata hai main padh nahi raha tha to mummy ne kya kaha, out of sheer frustration, exam nazdeek the, mummy ne kaha tere ko kitna marks milega. क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क खाली था, मैंने तुरंत इवोकिंगली इंस्टेंटेनियसली बहुत आराम से मैंने उत्तर दिया, वेरी रिलैक्स्ड होकर मैंने कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 dozen, 2 dozen, आई एम परफेक्टली फाइन. ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, फुल स्पाइन, फुल बॉडी अटैक, शी वॉज रीदिंग इन पेन. अब दूसरी कक्षा का बच्चा मम्मी से ही प्यार करता है भाई, और तो किसी से प्यार ही नहीं करता है. अब मम्मी की ये दुर्दशा देखकर बच्चे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्स दैट शी इज़ इन पेन. मैंने तुरंत मेरा डायलॉग चेंज कर दिया. मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, मैंने कहा कितना भी चलेगा. ओ शी लॉस्ट इट. एंड बिकॉज शी लॉस्ट इट,
बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्स आई इमीडिएटली चेंज्ड माई स्टैंड. पता है मैंने मम्मी को क्या कहा? मैंने कहा, मम्मी तेरे को कितना चाहिए? इमीडिएटली शी सेड 100 में 100. Second standard, I'm still a victim of that. Maybe you are also a victim of that. Meditation, Raj Yoga meditation, is revisiting that subconscious mind ka operating system, that belief which is redundant, which is so old, which is so folklore. And in this contemporary world, it's full of competition, I want to win. And with due respect, education is not helping me, mom is not helping me, dad is not helping me. And nobody is understanding what I'm going through. Everybody बस एक ही कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो. बट कहाँ से वो आ रहा है, चैलेंज कहाँ से आ रहा है? द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड व्हेन मम्मी ने कहा 100 में 100, और मेरे मन में विचार आया, यार उस स्कूल में 8 घंटे जाके मरूं मैं, होमवर्क करूं मैं, टीचर की डांट खाऊं मैं, पनिशमेंट झेलूं मैं, एग्जाम को हैंडल करूं मैं, स्कूल से आने के बाद फिर तुम धक्का मार के मुझे ट्यूशन भेज देती वो भी झेलूं मैं. मार्क्स किसको चाहिए? जोर से बोलिए. कमाल है जी, लुक एट द कोरिलेशन. इनको चाहिए, आई एम तो परफेक्टली फाइन. चलो छोड़ो, टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एबिलिटी घूमते घामते खेलते कूदते डिस्ट्रैक्ट होते होते हमने पढ़ पढ़ा लिया, एग्जाम भी लिख दिया, रिजल्ट का दिन भी आ गया. मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से इस पर फोकस करिए. रिजल्ट का दिन आ गया. हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, हमको रिपोर्ट कार्ड क्लास में दिया जाता था सबके सामने. हम तो वैसे ही मस्ती के मूड में थे. पता है टीचर ने क्या कहा? मास्टर गिरीश, शी ओपन द रिपोर्ट कार्ड एंड कहा, कंग्रेचुलेशंस, कम हियर बेटा. हम तो वैसे ही हमेशा खुश रहते थे, हम तो पहुंच गए. मैडम ने रिपोर्ट कार्ड बंद किया, मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड दिया और एक और बार कहा, कंग्रेचुलेशंस, कीप इट अप. मुझे समझ में ही नहीं आया, हम तो सदा अप ही रहते थे घर में. मम्मी पापा अप डाउन, अप टीचर अप डाउन हो रहे, हम तो सदा अप ही रहते थे. आपकी इमोशनल स्थिति अप डाउन होती है या सदा अप रहती है? रहने दीजिए, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, मतलब क्या भाई साहब पूछने भी क्वेश्चन है क्या? आप जानते हो, मुझे समझ में ही नहीं आया, व्हाट कीप इट अप, हम तो सदा अप ही रहते थे. रिपोर्ट कार्ड हमने लिया, हमने उसको डाउन बैग में रखा, ठीक है, और वापस मस्ती करने लगे. शाम को जब छुट्टी हुई, खेलते कूदते पसीना पसीने से घर पहुंचे, घर का घंटी बजाया, मम्मी को पता चल गया बेटा आया और आज रिपोर्ट कार्ड मिले. ओ माई गॉड, शी ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट. भारत को एक ओलंपिक मेडल मिलने में पसीने छूट जाते हैं. हमारे भारत की मम्मियां ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ती है, किसी ने टाइमिंग नहीं देखा. नैनो सेकेंड में शी रीचेस द डोर, ओपन्स द डोर और मुझसे पूछती, रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? हाइज पॉप्ड आउट. मैंने कहा बैग में रखा है, ले लो. ओ शी पाउंस्ड ऑन द बैग, अनजिप्ड द बैग, रिपोर्ट कार्ड निकाला. उनकी धड़कन बहुत तेज थी, रिपोर्ट कार्ड खोला, ओ माई गॉड, उनकी आंखों में चमक आ गई, शी स्माइल्ड, रिलैक्स्ड. पता है क्यों? 75% मार्क्स मिले. माता जी को लग, क्या बात है माता जी. प्लीज जोर से बजाइए माता जी की भावनाओं को. पता है इतनी अच्छी माता जी ना, बेचारा दुखी गिरीश, 75 वॉज सो फैंटास्टिक. माता जी प्रणाम है, प्रोग्राम के बाद जरूर मिलना, आपके चरण जरूर स्पर्श करूँगा. मतलब सिनेमा चल रहा है, अब बीच बीच में हम हीरो का जब खुशी होती है तो क्लैप भी कर लेते, टू गुड. ओ शी वॉज डैम टू हैप्पी, मम्मी खुश, 75, क्योंकि पता है माँ को लग रहा था फेल होगा, जिस प्रकार से ये पढ़ रहा था 75 वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड. Oh, she was super delighted, खुश. क्लाइमैक्स नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना, ये छोटा सा गिरीश सेकेंड स्टैंडर्ड का, ये 500 GB का हार्ड डिस्क एम्प्टी. मम्मा राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल एंड अ फोल्डर, शी इज क्रिएटिंग अ फोल्डर, एंड विद दैट फोल्डर आई एंड यू एट दिस एज ऑफ 48 years, आई एम स्टिल ऑपरेटिंग माई लाइफ विच इज एब्सोल्यूटली नॉट हेल्पिंग मी.
This is not conscious living, this is not conscious achieving, this is not conscious teaching. Look what the mother is doing. And humko lagta hai bahut acche, with due respect. Pata hai, climax number one, मम्मी पापा के पास गई और मैं आंखों के कोने से देख रहा था व्हाट इज शी अप टू. और पता है मम्मी ने पापा को जाकर क्या कहा, रिपोर्ट कार्ड दिखाकर कहा, मेरा बेटा है. मैंने कहा, मैंने मन में सोचा व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन, यू आर टेकिंग अवे द एंटायर ग्लोरी ऑफ दैट सक्सेस. पापा वैसे ही खुश, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, वो इतना ही झेल रहे थे, ठीक है ना. ये सही बात नहीं है, ठीक है. आप ऐसे नहीं हंस सकते हो, ठीक है. पता है पापा को बच्चे से इतनी सहानुभूति है, इतनी सहानुभूति है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के पहले पापा ही विक्टिम था और जब से ये पैदा हुआ है तो ये पूरा ध्यान इस पर आ गया है, मम्मी इसी को परेशान करती है. पापा ऑफिस से आते नहीं उसके पहले मम्मी शुरू हो जाती, आपका बेटा पढ़ता नहीं, आपका बेटा खाता नहीं, आपका बेटा सुनता नहीं, आपका बेटा. पता है पापा उसको, इधर आ, बच्चा घबरा के जाता है, पापा उसको गोदी में उठाता, बोलता चल आइसक्रीम खाते हैं. और पता है पापा क्या बोलता है, बेटा तेरे आने के पहले मेरी भी यही हालत थी, चल अब तुम बेचारे जो लो लेट अस गो, वी आर एट द सेम लेवल. पापा खुश, मम्मी खुश, छोटू खुश, 75% वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड. क्लाइमैक्स नंबर टू, नाउ दिस इज मोर क्रिटिकल माई डियर वंडरफुल ऑडियंस. जीवन की पहली परिभाषा, चाहिए. दैट इज वॉट आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ, दैट्स वॉट कॉन्शियस लिविंग इज ऑल अबाउट. मिलना, बचपन से लेकर अभी तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में 15 साल, कितना मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा, रैंक मिलेगा, नीट एग्जाम क्लियर करके एडमिशन मिलेगा, DU में एडमिशन मिलेगा, IIT में एडमिशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा. एंड सॉरी, दिस इज नॉट ओनली दीज थिंग्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट एट द इमोशनल लेवल, ऑल द लेडीज सिटिंग, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा. वाइफ हस्बैंड को कहती, तुम्हारी मां के लिए कितना किया, अरे इसीलिए किया ना कि मिलना चाहिए. एंड देयर इज अ मेजर इश्यू विद बिटवीन द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ. इट इज एवरीथिंग, मिलना मिलना एंड चाहिए. इट्स ऑल अबाउट हैविंग, माय फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई रिलेट माय लाइफ टू. इट्स ऑल अबाउट हैविंग. हाउ मच वुड यू हैव, हाउ मच वुड यू गेट. एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय टीचर्स, उन्होंने भी कहा कितना मार्क्स मिलेगा तेरे को, कितना मिला, कितना अगली बार मिलेगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट फ्रेंड्स, बट दैट इज नॉट लाइफ. जरूरी भी है, मार्क्स भी जरूरी है, IIT भी क्लियर करना जरूरी है, नौकरी भी इंपॉर्टेंट है, प्यार भी इंपॉर्टेंट है, बट चाहिए इज नॉट इंपॉर्टेंट. हम उसको ही रिलेट कर गए ना, और ये इतना इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है, ये हमको ही नहीं पता चल रहा है. हमारा जीवन भी ऐसे ही था, हमने भी अपने बच्चों का, नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे ही कर रहे हैं. And what we don't realize is the next generation is so vulnerable, so critically sensitive. Chotti chotti baat mein, you were more tough than me. I am more tough than my next generation. They are still more sensitive. हमारे जमाने में पापा हमको तो थप्पड़ भी लगा देते ना तो फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी बाबूजी बाबूजी बाबूजी. आज बाबूजी घबराते हैं, क्या कर देंगे आजकल के बच्चे. मे बी दे आर एक्सपोज सो मच towards negativity. Climax number टू, अब ये तो और हाइट है. मम्मी खुश, पप्पा खुश, हम खुश. आधा घंटे के बाद हमारी माता जी, शी बार्जस इनटू माय रूम. ओ, दरवाजे को जबरदस्ती खोल के दौड़ कर मेरे पास आती है और मुझे दो थप्पड़ लगाती है, टू बिग टाइट स्लैप, वन ऑन द लेफ्ट एंड द अदर ऑन द राइट. अरे मेरे को समझ में नहीं, अब क्या प्रॉब्लम, अरे 75 भी मिल गया, ये भी खुश, वो भी खुश. मैंने तुरंत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कॉल लगाया, मेरे को स्टेट एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं था. मैंने कहा मेरे को रिपोर्ट चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को अभी के अभी रिपोर्ट चाहिए, दो थप्पड़ क्यों पड़ा. उन्होंने एक लाइन में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मेरे को रिपोर्ट भेजा, टेलीग्राम किया. पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा, क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला.
मेरे घर के बाजू में हनुमान का मंदिर था, मैंने सोचा था 75 की खुशी में एक नारियल चढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी दो मिला, मैंने भी अपने प्रेयर में तब्दीली कर दी, हनुमान जी के पास दो नारियल चढ़ाए क्योंकि दो मिला मुझे, दो नारियल चढ़ाए और भगवान जी से कहा भगवान जी बहुत दुखी हूँ। हनुमान जी ने मंदिर मतलब मस्जिद भी हो सकता है, गिरिजाघर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मैंने हनुमान जी से कहा भगवान जी बहुत दुख, भगवान जी ने कहा बेटा रो नहीं, आई नो एवरीथिंग, मुझे पूरी कहानी पता है, मांगो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे कष्ट को पीड़ा को दर्द को सब जानता हूँ, बस आग्रह करो। मैंने कहा भगवान जी बस एक ही इच्छा है। भगवान जी ने कहा बोल बच्चे, एक पर एक फ्री, दो कर दूंगा। आई नो हाउ मच ट्रबल यू हैव फेस्ड। मैंने कहा भगवान जी एक पर एक फ्री नहीं, बस एक ही इच्छा है। भगवान जी ने कहा बोलो बता, वरदान दे दूंगा। मैंने कहा भगवान जी, सेकेंड स्टैंडर्ड गिरीश, भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, किसी और को प्रमोशन मिलने से दर्द ज़्यादा होता है, किसी और के एचओडी बनने से दर्द ज़्यादा हो जाता है, और हम सामने वाले के एचओडी पे प्रमोशन हमें कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन, पार्टी कब मिलेगा, अरे अंदर जल रहा है इस उम्र में आकर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहाँ से आ रहा है ये, वाई आई एम नॉट एबल टू सेलिब्रेट समवन एल्सेस सक्सेस एंड इट इज सो डीप रूटेड। Where is that conscious awareness? What am I teaching consciously to the next generation? और उदाहरण देता हूँ, this is height. Primary school teacher, ये तो मुझे बहुत, मेरे को ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे अगर मिल जाएंगे ना मेरा पूरा ध्यान उन पर ही रहता है, पता है क्यों, वो निष्कलंक होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता तू कौन है। पता है मेरे क्लास में छोटू मम्मी को बोलता मम्मी मम्मी बोर हो रहा चलना मेरे सामने, मम्मी बोलती देखना अंकल कितना अच्छा सुना रहे हैं, तो पता है छोटू का तो तू सुन मैं जाता हूँ, अरे मेरे को मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ का, आई व्हाट एवर ही सेइंग इज ऑफ नो यूज, यू बेटर अंडरस्टैंड, आई एम तो ऑलरेडी गुड। उसको फर्क ही नहीं पड़ता ये गिरीश कौन है, वो ना ये चित्रा बहन ने आकर सुना ना आईआईटी आईआईएम, तो आपने कहा अरे बंदा मस्त है यार, यू गोइंग बाय दैट व्हाट शी टोल्ड। छोटू को मतलब नहीं क्या आईआईटी, You are interesting, I like you. You are not interesting, I don't like you. You are who X, Y, Z, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, very open. उसके अंदर छल नहीं है, क्यों, उसका वो subconscious mind अभी clean है, स्वच्छ है, and look what as elders we are doing. Primary school teacher, बच्चे मस्ती ज़्यादा करते हैं, उधम ज़्यादा मचाते, शांत रहते नहीं है, पता है primary school teacher क्या करती है, यहाँ से गड़बड़ शुरू हो रहा है, classroom में teacher duster उठाती है table के ऊपर, Maintain silence. छोटी बच्ची हाथ ऊपर उठाकर कहती है मैडम धीरे बोलिए ना, हो गया कल्याण। एंड द लिटिल वन डजंट अंडरस्टैंड करना क्या है शांति। आई एज एन एल्डरली पर्सन आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश साइलेंस बाई स्क्रीमिंग, डोंट शाउट। और हम तो एक तो हम गलत कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को गलत, हाउ आर यू गोइंग टू एस्टैब्लिश साइलेंस और पीस बाय शाउटिंग बाय स्क्रीमिंग। एंड वो बच्चा अनुभव करता है यस मैडम ने चिल्लाया सब शांत, ओ गॉड दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन। वो कल की डेट में उसका और उसकी फ्रेंड के बीच में थोड़ा किसी बात को लेकर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का वो मान नहीं रही थी, लुक एट द एक्सपीरियंस, आपका बच्चा शाउट करके उसको शांत कराएगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज, दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, बट इट इज नॉट द राइट वन। आपका एक्सपीरियंस है एंड वी हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, बट इज इट द ट्रुथ, इज इट द रियलिटी। यहां पर क्वेश्चन आता है सत्य क्या है, इसीलिए कहा सत्य चित्त आनंद, चित्त आत्मा, और आपने उसके बारे में पिछले दो दिनों में इतना ज्यादा सुन लिया कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। आपको मैं एक छोटा सा सिंपल हिलेरियस रीजन देता, वेरी प्रैक्टिकल, शरीर हो या नहीं हो, हाँ या ना, कई लोगों को तो डाउट हो रहा है, दो दिन में समझ में नहीं आ रहा क्या हूं, ठीक है। अरे शरीर हो, शरीर है ना, जोर से बोलिए है ना,
तो कल मान लीजिए कल मेरा एक बार वापस आपके साथ सेशन है और चित्रा बहन यहाँ आकर कहती है भाइयों और बहनों हमारे बीच, वैसे तो चित्रा बहन ने बहुत प्यार से आदरणीय गिरीश भाई, सम्माननीय गिरीश, ब्रह्मा कुमारी गिरीश, डॉक्टर गिरीश, प्रोफेसर गिरीश क्या क्या बोल देते, आई मीन विथ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द फैकल्टी। कल चित्रा बहन आकर आप सबके सामने कहें भाइयों और बहनों हमारे बीच गिरीश बॉडी पधार चुके, आपके घर में डाइनिंग टेबल में आपका बच्चा कहे मम्मी बॉडी जरा नमक देना, व्हाट रबिश, पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बॉडी लेट हो जाती हूँ आप बॉडी के कारण, फिर टीचर बॉडी मुझको प्रिंसिपल बॉडी के पास लेकर मुझ बॉडी को मुर्गा बॉडी बनाकर फिर प्रिंसिपल, कुछ लोग थाली बजा रहे बोला गिरीश भाई आपको आते ही साथ लग रहा था एक ढीला है, आपकी बात तो सुन के लग रहा है कि कंप्लीटली दो चार। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? क्या बात है, मरने के बाद ही बॉडी बॉडी बॉडी, जीवित रहते तो बॉडी ही नहीं बोलते, गिरीश जी आदरणीय गिरीश, सम्माननीय गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, आपके लिए भी कितना डिजिग्नेशन होता है, आई मीन आप ऐसे ही नहीं है, आई मीन यू हैव अचीव्ड सो मच, आपने कितनों के जीवन को संवारा है, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आपको इतनी दुआएं मिलती है, वो कभी आपको बॉडी करके संबोधित नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीवन भर हमने इस बॉडी के ऊपर ही ख्याल करा है, एक बार इसको जीवन में बॉडी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, वेरी कॉमन पैरलाइन, इसके लिए आपको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इट्स वेरी कॉमन डे टू डे एक्टिविटी में बॉडी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आज मैं यहां से चल के जा रहा हूं तो आप बोलेंगे क्या मैंने गिरीश बॉडी को जाते हुए देखा, अरे ज्यादा मेडिटेशन मत करो आपका प्रॉब्लम है, क्या गिरीश बॉडी, अर्थी अरथी देह आंत देहांत, देह का अंत हुआ है, आत्मा थोड़ी ना मरती है, किसको आप संबोधित कर रहे हैं आदरणीय गिरीश, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, अभी राइट नाउ बैठे बैठे एक सेकंड में गिरीश भाई की मृत्यु हो जाए, हार्ट अटैक, मैसिव कार्डियक चेस्ट अरेस्ट, हमारे भाई लोग दौड़ के आते हैं, वो मेरे को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, सीपीआर देते हैं, थंप करते हैं, कुडंट रिवाइव, डॉक्टर को बुलाया जाता है, गया गिरीश, हेलो गिरीश, क्या हुआ गिरीश को बोलिए, हाँ जी क्या बात है, सिस्टर बोल रही कैसे बोले आपके बारे में टू गुड सिस्टर वंडरफुल, ये वाला एरिया थोड़ा खतरनाक है यार, ठीक है अच्छा कहाँ गया गिरीश, कहाँ गया गिरीश, क्या बात है, ऊपर ताली बजाइए इनके लिए, जोर से ताली बजाइए, पता है क्यों ताली बजवा रहा हूं, इनको मेरे मरने के बाद कहाँ जाएगा क्या गारंटी है, तो सीधे ऊपर जाएगा, समस्या पता है जीते जी भटक रहा है, मरने के बाद इनको मेरे बारे में गारंटी है, क्या नॉलेज है, आहा हा, और पता है वो माताजी क्या करी, सिर्फ आप नहीं सब और उनको सबके बारे में पता है, लुक एट दी नॉलेज, अच्छा गिरीश तो गया, क्या बच गया, बॉडी नहीं डेड बॉडी, ठीक है डेड बॉडी, आप गिरीश के डेड बॉडी को यहाँ लिटा दिया स्टेज में, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा मुझे ना बच्चे अच्छे लगते हैं, कभी कभी बच्चों के साथ मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ, बड़ों के साथ भी खिंचाता हूँ बट बच्चों के साथ खिंचाना मेरे को अच्छा लगता, एक बार हम कार्यक्रम कर रहे थे सभा में, बहुत सारे बच्चे थे, बैठने को जगह नहीं था तो मैंने सब बच्चों को ना स्टेज पे बिठा दिया, और फिर प्रोग्राम के बाद मैंने कहा आ जाओ इसको यहाँ बिठाया, यहाँ मैं चॉकलेट्स मंगाए सब उनको दिया, आई मीन आई वाज जस्ट हैविंग अ गुड टाइम विद देम, तो एक दो मम्मी लोगों ने कहा सर एक फ़ोटो खींचा, मैंने कहा प्लीज़ खींचिए, आप माता, एक दो मम्मी लोग ही स्टेज पे आ गए, सर हम भी खिंचा ले, मैंने कहा प्लीज़ खिंचाइए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब एक दो मम्मी को देखकर बाकी जो माताएं बैठी थी उन्होंने कहा ये कैसे खिंचा रही, हमको भी खिंचाना, वो भी स्टेज पे, देखते देखते आठ दस माताएं स्टेज पे, अब एक मैडम ने कैमरा दिया मोबाइल बोला फ़ोटो खींचो, तो वो जो भाई फ़ोटो खींच रहा था उन्होंने यहाँ पाँच माताएँ इधर पाँच माताएँ बच्चे, उन्होंने कहा
थोड़ा नज़दीक आ नहीं रहा था फ्रेम में, इधर की माताएं इधर धक्का मारे, इधर की माताएं इधर, मेरा ही फोटो नहीं आया उसमें। ठीक है, अरे अब वो इधर इधर नज़दीक नज़दीक दबा दबा के खींचो भाई फोटो, आई मीन वो टच कर रहे ये कर, आप जानते हो गिरीश भाई का आप हाल देख लो, हमारी माताओं का हाल देखो, ठीक है ना, खिंचा लिया फोटो। यू डोंट माइंड, आई डोंट माइंड क्लिकिंग फोटो, आजकल तो सेल्फी है, सेल्फी में भी एकदम नज़दीक नज़दीक टच करके फोटो खिंचा लेते, ठीक है सबको सम्मान है प्यार है खिंचाते। कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल, गिरीश तो गया माता जी ऊपर, ठीक है यहाँ रह गया डेड बॉडी, वो एक भाई साहब पीछे बैठे थे, वो आए और उन्होंने यहाँ दीदी को कहा, दीदी मेरे को गिरीश भाई से प्रश्न पूछना था, मैंने सोचा प्रोग्राम के बाद पूछूंगा। तो दीदी ने कहा अब हम क्या करें, वो तो पहले ही चले गए, अगर पूछ के जाते तो हम बोलते थे 6:30 बजे जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, प्रोग्राम आधा घंटे का कौन करेगा, हम परमिशन ही नहीं देते थे। वो भाई ने कहा दीदी मेरे को एक सेल्फी भी खींचना था। तो उन्होंने कहा मैं जाऊँ, जाओ। पता है वो भाई ने क्या किया, डेड बॉडी गिरीश के चश्मे से उंगली डाली, आंखें खोली, चेहरे को थोड़ा सा मुस्कुराहट वाला रखा, साइड में किया, मेरे बाजू में लेट के सेल्फी। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचाओगे? उसका लॉजिक बताऊं, ये भाई डेड बॉडी गिरीश का फोटो खींच के सारी दुनिया को भेजता है और कहता है माई सेल्फ विद प्रोफेसर ईवी गिरीश, फैंटास्टिक पर्सन स्पीकर जो भी है, जितने लोग वो फोटो को देखेंगे वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मृत देह है या जीवित है। माई डियर वंडरफुल इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, वो डेड बॉडी में भी यही नाक होगा, यही गोरा चेहरा होगा, यही टकलू सिर होगा, अभी भी वही है, लेकिन आपको गिरीश के साथ फोटो खिंचाना है, डेड बॉडी के साथ नहीं। फोटो में सिर्फ शरीर ही आएगा, सम्मान किसको दे रहे हो, नाक को चेहरे को, वो तो डेड बॉडी में भी है, हम तो उसको हाथ नहीं लगाते डेड बॉडी को। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज व्हाट यू एंड आई डू प्रैक्टिकली एवरी मोमेंट, इज बिकम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ, हम किसी को भी बॉडी बॉडी नहीं बोलते। तो समवेयर डीप डाउन वो सत्य ज्ञान हम आम तौर की भाषा में जीवन के उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी यथार्थता को नहीं समझ पा रहे हैं। पहला डेफिनेशन ऑफ लाइफ, चाहिए। दूसरा, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, मैं 10वीं 11वीं 12वीं में 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो माता पिता चाचा मामा सब ने एक ही प्रश्न पूछा, तू बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से मम्मी की आंखें बाहर, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, सेकेंड टाइम। मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? मम्मी ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंडियन आर्मी। सेकेंड डेफिनेशन, डूइंग, करना। माफी चाहता हूं अगर जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया, बन नहीं पाया, मेरी अपनी मान्यता स्वयं के प्रति, विच इज सच अ फ्लॉड मॉडल, आई डोंट एग्जिस्ट, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मेरे दोस्त इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्यार के अधिकारी हैं, सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि उसका अधिकार बनने से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं बन पाए, आप अधिकारी ही नहीं हो प्यार के। कौन से शास्त्र में, कौन से सोशियोलॉजी, कौन से समाज शास्त्र, कौन सा स्पिरिचुअलिटी, कौन सा धार्मिक किताब में ये लिखा है, मैं माइक नीचे रख दूंगा, कि बनिए तो आपको प्यार और सम्मान प्राप्त होगा। बट लुक व्हाट आर वी पुटिंग इनटू द चाइल्ड्स माइंड, बनना बनना, डूइंग डूइंग, ये हैविंग एंड डूइंग के चक्कर में द थर्ड थिंग जो आपको यहां से आपको बताया जा रहा है, द बीइंग इज लॉस्ट, व्हाट यू हैव इज नॉट व्हाट यू आर, व्हाट यू डू इज नॉट व्हाट यू आर। आई हैव अ मोबाइल फोन, आर यू अ मोबाइल फोन? और बताता, आई हैव टू किडनीज, आई एम टू किडनीज, हेलो, आई हैव टू आईज, हैव, मैंने नहीं बनाया अंग्रेजी, मैंने नहीं बनाया है हिंदी, जिसने भी बनाया उनसे जाके पूछ ऐसा क्यों लिखा। मेरे पास
मर्सिडीज बेंज है, लेटेस्ट मॉडल, 85 लाख, 2 करोड़ है मेरे पास है, मैं नहीं हूं वो गाड़ी। मेरे पास 206 हड्डियां हैं, मैं 206 हड्डियां नहीं हूं। मेरे पास दिमाग है, मैं दिमाग हूं नहीं बोलते। मेरे पास मन है, मेरा मन, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, आपको सुबह के सेशन में बहुत क्लियरली बताया। What you have is not what you are. And unfortunately, I am identifying myself of all the beautiful emotions of love, peace, happiness, comfort with the having. And वो having तब आएगा, having के बाद मैं फिर doing तो करूंगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और यहीं पे हम गड़बड़ है। ब्रह्मा कुमारीज में आकर मुझे पता चला द परिभाषा ऑफ लाइफ। लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, द बीइंग, हैविंग एंड डूइंग के चक्कर में द बीइंग इज लॉस्ट। वो हमारे एजेंडा में नहीं आया। हमारे माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने, एक क्लास मेरे मम्मी पापा, विद ड्यू रिस्पेक्ट ना, माई मदर इज नॉट अलाइव टूडे, आई एम नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। बच्चा पढ़ रहा है फॉर हैविंग गुड मार्क्स, वो पढ़ रहा है सो दैट ही कैन डू एन इंजीनियरिंग जॉब, लेकिन राइट नाउ वो डर के पढ़ रहा है, परेशान होकर पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव मोड में पढ़ रहा है, दुखी होकर पढ़ रहा है, इरिटेटेड है, स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है। क्या है वो 364 दिन का वो जर्नी ऑफ लाइफ, सो दैट ही राइट्स एन एग्जाम ऑन द 365th डे एंड मे बी ऑन द 400th डे ही विल गेट अ रिजल्ट। व्हाट हैज ही डन फॉर द 364 डेज? व्हाट वाज हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या अनुभव किया पल पल? एंड आई वुड से आई हैव लॉस्ट इट राइट नाउ। यहां बैठकर बिना कुछ देखे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सूंघे, बिना कुछ घूमे, बिना कुछ किए Can you experience happiness? Just like that. Because आत्मा का original functionality वो उसी पर operate करता है। कुछ करना थोड़ी ना है। लोग बोलते हैं meditation करो, meditation करना पड़ेगा। करने के हिसाब से हम बोल रहे हैं, but उसमें कुछ करना थोड़ी ना है। जो कर रहे हैं ना, जो having and doing है ना, 5 मिनट के लिए इससे अलग हो जाइए। उसी को शायद हमारे जितने भी स्पीकर्स ने कहा, आत्मिक स्थिति में बैठो, भूलो इस देह को, भूलो इसके संबंध को, भूलो इस दुनिया की बातों को। 5 मिनट्स, इट्स सो एनरिचिंग, इट्स सो फुलफिलिंग, इट्स सो, क्या कहूँगा, इट्स सो रिचार्जिंग। बैटरी को रिचार्ज करते हैं ना मोबाइल का, वही है। 5 मिनट कर लीजिए, मे बी फॉर द नेक्स्ट 5 आवर्स, दैट एक्सपीरियंस ऑफ रियल डीप साइलेंस, ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ऑफ हैप्पीनेस। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज सारी दुनिया पाक कर करके खुश रहने का प्रयास कर रही है, विच इज नॉट खुशी। आज हमारे पास टाइम नहीं है। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। एंड अनफॉर्चुनेटली हम हर प्लेजरेबल एक्सपीरियंस को खुशी का टर्म दे रहे हैं। मैं आपको 3 बेसिक डिस्टिंक्शन बताता हूँ, मेडिकल साइंस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, एंड अदरवाइज ऑल्सो। Pleasure is always short term, happiness is a long term concept. मैं नहीं कहता हूँ, this is how you know positive psychology के psychologist कहते हैं। ये तो चलो हमको समझ में आता है। 2 major difference है। Pleasure is always is in taking, is always is in consuming. मेरे को tension है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। पुराने ज़माने में मैं cigarette पीता था, शराब पीता था। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत problem है। शराब पिया, सिगरेट पिया, निकोटीन लंग्स में गया, ब्लड में मिक्स हुआ, हार्ट में गया, निकोटीन लेस्ड ब्लड ब्रेन पंप कर दिया उसने, ब्रेन में गया, वहाँ पे उसने, हमारा ब्रेन में केमिकल ब्रेन होता, उसने वहाँ रिएक्शन किया, डोपामीन सीक्रेशन। फंक्शनल MRIs ऑफ पीपल हु आर इन अ स्टेट ऑफ प्लेजर, फंक्शनल MRIs ऑफ पीपल हु आर इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, 2 distinct hormones। प्लेजर हार्मोन इज डोपामीन, हैप्पीनेस हार्मोन इज सेरोटोनिन। और आज पोस्ट कोविड मेरे को शराब पीने की भी जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स काफ़ी है, यूट्यूब काफ़ी है, लाइक्स काफ़ी है, सेल्फीज काफ़ी है। यहाँ से खा रहा हूँ और बहुत दुख की बात है, समाज शराबी को, सिगरेट स्मोकर को बहुत नीची नज़रों से देखता है। शराबी है, कमज़ोर है, नॉट गुड, वीक,
इसके संस्कार अच्छे नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले को कोई नहीं बोलता, यूट्यूब देने वाले को कोई नहीं बोलता कि खराब है, ये खराब है, खराब है। वो हमारे लाइफ में इतना पार्ट हो चुका है। बट वॉट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो क्रेविंग। आप अपने बच्चों के, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कल ही ट्रैवल कर रहा था, आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू उदयपुर, उदयपुर से बाई रोड आई केम। एंड मेरा भाग्य हमेशा ऐसा होता है, हमेशा मेरे को बच्चे ही मिलते हैं, यू नो यू अट्रैक्ट। और मेरे जो राइट साइड में बैठी थी, शी वॉज अ विंडो सीट, मेरा मिडिल सीट था। मैंने बोर्ड करते समय भी कहा था, कैन आई गेट एन आइल सीट, तो उन्होंने कहा फुल है, पैक्ड है। मैंने कहा ठीक है। एंड शी हैड अ बेबी, 5 months ओल्ड बेबी, और शी वॉज स्ट्रगलिंग। इतना क्यूट बेबी था। पता है मम्मी ने क्या किया? मोबाइल। बच्चों को, इफ आई डोंट नो हाउ टू रेयर अ चाइल्ड, आई शुडंट बेयर अ चाइल्ड। हमको पालना देना नहीं आता है तो फिर शायद हमको बच्चे भी नहीं होने चाहिए। आई डोंट हैव अ फंडामेंटल राइट। बच्चे पैदा करके आप उसको डरा नहीं सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है वो। आप यहाँ बंदूक दिखा के किसी को डराइए, अंदर हो जाएंगे हम। अरे आप डरा नहीं सकते हो, उनको अधिकार है सुरक्षा का। भारत का संविधान उनको सुरक्षा का अधिकार दे, जस्ट बिकॉज ही इज योर चाइल्ड, जस्ट बिकॉज वो आपका बच्चा, आप कुछ भी करो। किसने अधिकार दिया है? नहीं कर सकते हैं हम ये। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको लगता है कि ये सब करेक्ट है। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। हम एक मान, एक आत्मा के भविष्य और उसकी उस एक्सपीरियंसेस को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। द बीइंग, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, और वो मैं देख करके खुशी हो रहा हूं। प्लेजर इज ऑलवेज इज इन टेकिंग, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। माँ खुद गुलाब जामुन खा लेती है, लास्ट एक पीस बचा। घर में जितने मेहमान आए थे उन्होंने कहा भाभी जी ऐसा गुलाब जामुन जिंदगी में नहीं खाया, एक की बजाय दो दो खा लिया, लास्ट एक पीस बचा था, माँ ने वो खाया। प्लीज बताना क्या हुआ, प्लेजर था या हैप्पीनेस था? माँ ने वो गुलाब जामुन नहीं खाया, सोचा थोड़ी देर के बाद खाता। बच्चा दौड़ के आया, मम्मा एक और गुलाब जामुन है कि बहुत टेस्टी बना है। माँ खुद ना खाकर बच्चे को खिलाती है। प्लीज बताइए, खुद खाती है तो क्या होता है, बच्चे को खिलाती है तो क्या होता है? एक प्लेजर और एक हैप्पीनेस है। क्या बात है, माँ को रियल खुशी तब होती है जब वो, हैप्पीनेस इज इन गिविंग, प्लेजर इज इन टेकिंग। एंड लुक, माफी चाहता हूँ, मार्क्स पाकर प्लेजर। और प्लेजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म में। 10th में अच्छा मार्क्स मिला, टॉपर आया, फिर 11th में वापस प्रेशर में हूँ, 12th में डबल प्रेशर में, नीट एग्जाम में तो हाइट ऑफ प्रेशर। शॉर्ट टर्म है। प्लीज बताइए, मैं आपके घर आता हूँ, आप मेरे लिए खाना बनाते, आपको पता है गिरीश भाई को गुलाब जामुन पसंद, मैंने गुलाब जामुन खाया, मैंने कहा भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुलाब जामुन खा के दिल खुश हो गया। सॉरी, ये खुशी नहीं है। हम गलत एक्सपीरियंस को गलत शब्द से डिनोट कर रहे हैं। और मान लीजिए गुलाब जामुन खा के, फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी और कारणवश मेरे को पेट दर्द हो गया, मैं गया वॉशरूम में 10 बार, हो गया आपका प्लेजर। हैप्पीनेस इज एवर लास्टिंग। लास्ट एंड फाइनल मेजर डिस्टिंक्शन जिससे बहुत क्लियर होगा, प्लेजर 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 प्लेजर, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिस विल लीड टू एडिक्शन, स्मोकिंग स्मोकिंग स्मोकिंग। एंड जिस दिन आपको नेटफ्लिक्स ना मिले, जिस दिन आपके हाथ से मोबाइल ले ले, आपका मोबाइल मैं ले लेता हूँ और कहता हूँ कि 2 दिन के बाद दूंगा, आप बेचैन हो जाओगे। आपका मैं बीपी चेक करूंगा तो प्लीज़ चेक, आपके मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ, नॉट यू पर से। अगर आप बेचैन नहीं हो रहे हो मतलब आप एडिक्शन में नहीं हो, ले लो ना मोबाइल फ़ोन, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे हमारी जान अटकी है उसमें, प्लीज़ चेक। और आज का हमारा यंग जनरेशन तो बहुत ही उसमें है। आप छोटे से बच्चे से मोबाइल ले लो। मैं नागपुर एयरपोर्ट में बैठा था, वापस 2 बच्चे इतने क्यूट थे, अरे माय गॉड, छोटू मोटू कुछ तो देख रहा था वो। मैंने कहा क्या देख रहे हो,
पता है वो क्या कहता है, डिस्टर्ब नहीं करो. आई सेड माय गॉड, मम्मी ने लगा एक खींच के बोला अंकल ऐसे बात करते हैं क्या. एंड देन ही डिड नॉट रिप्लाई ओनली, आई मीन यू आर बॉदरिंग मी, इट इज सो प्लेजरेबल, कितना अच्छा लग रहा है खा के, आंखों का खाना है कान. आप, मैं जाऊंगा यहाँ से बाहर, आप पता है क्या कहेंगे, गिरीश भाई बहुत मजा आया क्लास सुन के, बहुत मजा आया, बहुत मजा आएगा ये सुनकर, दिस अप्रिसिएशन इज मेकिंग मी प्लेजरेबल. और अगर आपने बोल दिया नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं था, और गया मेरा प्लेजर. सुनकर खुश, सुनकर दुख, खुशी नहीं हो रही है दोस्तों. हैप्पीनेस 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 विल नेवर लीड टू एडिक्शन. ऑल अनप्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस विल लीड टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. सुबह जल्दी उठना अनप्लेजरेबल, नींद तो सुबह ही आती है, ठंडी हवा तो सुबह ही होती है, पंखे की हवा में कंबल ओढ़ के नींद तो सुबह ही करने का मजा है. और आप बोलते हो सुबह 4 बजे उठो, सारा दिन कॉलेज में मरो, फिर घर का काम करो, रात को खाना वाना बना के किचन साफ करके सोते ही हम 11 बजे, और सोने भी नहीं देते आप लोग 4 बजे. अरे प्लेजर ही तो है. सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, योगासन करना, वॉकिंग करना, आपका हेल्थ. गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, प्लेजर प्लेजर प्लेजर, पॉसिबिलिटी, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, समोसा समोसा समा, प्लेजर है ना. इट्स ऑल अबाउट हैविंग हैविंग हैविंग, डूइंग डूइंग डूइंग, एंड देन द बीइंग इज लॉस्ट. आई विल गिव यू द लास्ट फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज नॉट ओके, इट्स अ फ्लॉड फॉर्मूला. आपको बताता हूं कैसे. आई वॉन्ट टू गेट लॉट ऑफ मनी, आई वॉन्ट टू हैव लॉट ऑफ मनी, उसके लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए तो इतना पढ़ रहा हूँ, उसके लिए तो इतना वो कर रहा हूँ. चलो बहुत पैसे कमा लिया, फिर क्या करोगे. करोगे करना, डूइंग. एग्जाम्पल नंबर 1, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड. पैसा होगा तो ट्रैवल करूँगा ना, एग्जॉटिक लोकेशंस, अमेजन फॉरेस्ट, यू नो ऐसा लोकेशन जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा. उस एग्जॉटिक लोकेशन में जब जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, फोटो खींचता हूँ, द डूइंग पार्ट, देन आई विल बी हैप्पी. गेट डू एंड बी, यही है ना. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, सारा तो खेल इसी का है ना. चलो एग्जाम्पल नंबर 2, आई वॉन्ट टू गेट लॉट ऑफ मनी. पहला वाला तो मैं अपने लिए कर रहा था, अब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपने माता पिता के लिए करूँगा. मेरे माता पिता ने बहुत सेक्रीफाइस किया, मैं आज जो हूँ ना मेरे मम्मी पापा के, उन्होंने कोई सुख नहीं अनुभव किया जीवन का. दिस इज रीपे बैक टाइम. मैं उनके लिए गांव में बड़ा सा सुंदर सा घर विथ ऑल कम्फर्ट ऑल लग्जरीज, बेटे को करना भी चाहिए माता पिता के लिए. अब कैसे करोगे, जब पैसा होगा तो कंस्ट्रक्शन खरीदना बनाना, द डूइंग पार्ट. और जब माता पिता वहाँ रहेंगे, उनको हर प्रकार का सुविधा होगा, बेटा गिरीश विल बी हैप्पी. थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज मोर टू डू विथ आर रिलेशनशिप. नाउ आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप. अरे अकेले कितना जीव. आई वॉन्ट टू हैव अ पार्टनर, हैव शादी किया, हस्बैंड वाइफ जो भी हो. वॉट विल यू डू विद दैट अदर इंडिविजुअल, अ कंपेनियन, अ लाइफ पार्टनर. ओ लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस. वो भी करेंगी, हम मैं भी करूँगा. जब हम ये सब करेंगे, वो अनुभव करेंगे, देन आई विल बी हैप्पी. आई लव, आई एम बींग लव्ड, आई एम बींग केयर्ड फॉर, आई नो आई हैव टू लिव फॉर वन पर्सन, ओ देयर इज अ मोटिव, देन आई विल बी हैप्पी. और आगे बताता हूँ. नाउ आई वॉन्ट टू हैव माई चाइल्ड. मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, चाहिए. ये तो दूसरे आरएनए डीएनए की, आई वॉन्ट माई ब्लड, मेरा खानदान आगे बढ़. चलो बच्चा भी हो गया, एम वॉट विल यू डू विद द लिटिल वन. ओह अब इसके लिए जीऊंगे, ये पप्पा आकर के सुबह मैं जब उठूंगा बोलेंगे ओह देन आई विल बी हैप्पी. अलग बात है 15 साल के बाद यही नाक में दम करे, क्योंकि सुनता नहीं है. गेट डू एंड बी. माई डियर फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होता था ना, तो हम सब शायद एवर लास्टिंग परमानेंट सुखी होते थे. बस इसको थोड़ा सा ट्विक कर दीजिए. परमात्मा सुप्रीम टीचर आकर कहता है बच्चे, इसको थोड़ा सा फेर बदल कर दीजिए. बी हैप्पी, डू एवरीथिंग विथ हैप्पीनेस, यू विल गेट व्हाट यू वांट.
बी से शुरू करो, डू वो तो कर ही रहे हो, मैं आत्मा शांत स्वरूप, दैट्स कॉन्शियसनेस। खाना खा रहे हो खुश, चलिए बताता हूँ तीन चीज़ें ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, किसी को भी पिकअप कर सकते, किसी को भी चूज कर सकते, ऑल थ्री ऑल ओके। नंबर वन, खुशी के लिए जीना चाहिए। नंबर टू, पैसों के लिए जीना चाहिए। नंबर थ्री, नाम मान शान अभिमान रुतबा पॉपुलैरिटी। हाथ उठा के बताइए, क्या बात है, वंडरफुल। नंबर वन राइट, बहुत अच्छा, आप लोग इतने अच्छे हैं ना, आपका जवाब सुनकर ऐसा लग रहा आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है ना। मैं आपके घर आ जाऊं, बोलती बंद हो गई, घर वर रहने दो भैया, बस यहीं तक रहो, आऊं कि रहने दूं, आ जाऊं, खाना वाना खिलाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं फ़ोन करके आऊँगा, अब तैयारी करना, ठीक है ना। यहाँ से जाने के पहले मैं आपको एक पेपर दूंगा, उसमें अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस ज़रूर लिख के देना। वेन एवर आई एम इन योर टाउन आई कॉल यू। मैं टाइम दूंगा एक आध दो दिन का, बहनों को अलग तैयारी करना है, भाइयों को अलग तैयारी करना है, ठीक है। आई गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। आऊँ कि रहने दूँ, आ जाऊँ, ठीक है। तैयारी क्या करना है वो बता दो, मेरे को खाने पीने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, तैयारी क्या करना है बताता हूँ। ऑल द लेडीज़ योर सिस्टर्स, आपके घर में जितने भी हीरा मोती सोना चांदी जितने भी आभूषण है सब बाहर निकाल के रखना, आपके घर में जितना भी कैश है वो भी निकाल के रखना। भाई लोग, आपके पास जितना भी बैंक के पास चेकबुक है वो सब में साइन करके रखना, जितनी भी आपकी चल अचल संपत्ति है पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे करके रखना, मैं लॉयर का वो सब भेज दूंगा। क्योंकि मैंने आपको पूछा था खुशी के लिए जीना है, पैसों के लिए जीना है, नाम मान शान के लिए, सब ने कहा खुशी के लिए जीना, पैसे तो आपको चाहिए ही नहीं, वो सब मैं लेकर जाऊंगा और आपको खुशियां भर भर के देके जाऊंगा। ताली किसके लिए बजा रहे हो, धन संपत्ति खोने के, मेरे लिए? पता है आप लोग ताली क्यों बजा रहे हो, मेरे लिए सोच रहे, बेवकूफ इंसान बताया क्यों, हम तो नंबर ही नहीं दिया आपको, ठीक है ना, हम देते भी नहीं आपको, ये तो अच्छा है जी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक और आप बहुत अच्छे हैं इसीलिए एक और ऑप्शन देता हूँ, दो ऑप्शन। बच्चा जब खेलता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, और पहला वाला गेम वो हार जाता है ना, तो वो बोलता है ये तो प्रैक्टिस था, तो अभी तो ऐसे ही चल रहा था, अभी अगले वाले वैसे काउंट करेंगे, आई मीन दिस इज नॉट काउंटेड, ठीक है। तो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक राइट, पता है आपका उत्तर गलत क्यों हुआ, आपने कहा ना खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम पान, तीनों भी अगर आप कहते थे ना तो भी आपका उत्तर गलत था। दोस्तों आपका उत्तर गलत इसीलिए है क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आपका उत्तर इसीलिए गलत है क्योंकि मेरा प्रश्न गलत था। हाँ, तब तो ठीक लग रहा है, हम कैसे गलत हो सकते, या आई नो टू मिनट्स, या अब मैं आपको प्रश्न सही करूं, खुशी के लिए जीना है, खुशी से जीना है, खुशी के लिए जीना है, खुशी खुशी के साथ जीना है, खुशी के साथ जीना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बी हैप्पी विथ हैप्पीनेस, डू एवरीथिंग दैट्स कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस टॉकिंग, उसी को हम कर्मयोग कहते हैं। ये आप करने लग जाओ, हर चीज़ खुशी, जो बच्चा खुशी से शांति से 365 दिन पढ़ेगा उसका रिजल्ट कैसे होगा, द डूइंग ऑफ द राइटिंग ऑफ द एग्जाम विल ऑल्सो बी गुड एंड द रिजल्ट विल ऑल्सो बी गुड, ठीक है। थोड़ा मुस्कुराइए, एक मिनट मेडिटेशन करते हैं, सीधे बैठिए, हल्के होकर के बैठिए, आँखों को खोल करके यहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट है उस पर केंद्रित करें, जस्ट आपकी आँखों को एकाग्र करने के लिए। आई एम हैप्पी राइट नाउ, द बीइंग हैज़ अ ट्रू नेचर ऑफ हैप्पीनेस, उसका ओरिजिनल नेचर ही शांति है, उसका ओरिजिनल नेचर ही खुशी है। मैं खुश हूँ फॉर नो रीजन एंड फॉर नो सीजन। प्लीज खुशी को शांति को अनुभव करें, जस्ट लाइक दैट।
try to experience these moments of silence. मैं हूँ खुश स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, यही मेरा ओरिजिनल नेचर है। इसी के भान में रहकर मुझे हर कार्य करना है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक एवरीथिंग दैट आई डू विथ पीस, विथ हैप्पीनेस, विथ लव, विथ ऑनेस्टी, विथ डेडिकेशन, एंड आई विल गेट व्हाट आई वांट। थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल फॉर्मूला। इसी मन की अवस्था में आपको यहाँ से बाहर जाना है। प्लीज़ बात नहीं करना, करना। आप चल भी रहे हैं तो इस भान में रहें कि मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं शांति को अनुभव कर रहा हूँ। जो भी आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको बहुत एकाग्रता से सुनकर, बिना बात किए, जिस पार्क में आपको जाना है वहाँ जा कर के मे बी 7:15 तक जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले उसको कम्प्लीटली फॉलो करें। बहुत आवश्यक हो तो धीरे से बात करें। लगना चाहिए कि सचमुच यहाँ हर व्यक्ति शांति के कॉन्शियसनेस में रह रहा है। फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आपको ताली भी नहीं बजाना है। ओम शांति।